Hello guys, welcome to my new art blog. Hope you are all very safe, healthy and happy. ये मेरा ना आर्ट ब्लॉग की वीडियो मतलब ऐसी, मैं इसमें आपको सारी अपनी कलेक्शन, मतलब सारी तो नहीं लेकिन जो भी मेरे पास थोड़ी सी कलेक्शन है जो मैं बच्चों को सिखाती थी या कभी कुछ काम हल्का सा किया था वो आपको दिखाना चाहती हूँ। कि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट एक चैनल भी है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके भी उसको सर्च करिए, देखिए। तो यहाँ भी ना आर्ट का ब्लॉग इसलिए डाल देती हूँ लोगों को यहाँ से भी बेनिफिट हो सके, हमारे ब्लॉग चैनल पे भी लोग कुछ आर्ट का बेनिफिट उठा सकें। तो इसलिए आपको मैं अपने कुछ ऐसे कभी बच्चों से क्लास दिया तो साथ में काम कर लिया तो वो कलेक्शन में पर रखी हुई थी, तो आप सोचें आज आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अमेरिकन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है ये, तो इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट में बनाया हुआ है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये कुछ स्केचेस हैं मेरे, हिबिस्कस फ्लावर हैं उसका स्केचेस है, ये इसका स्केच है वो आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए मेरा ये है जो गेंद का फूल होता है ना, तो कैंडल उसका फ्लावर है जो पार्क में भी लगे होते हैं। मेरा जो भी लोग हमारे वर्क आते जाएंगे ना, कोई इसमें सीरीज में मैंने नहीं रखा, मैंने ऐसे रैंडम रखे हुए हैं, तो कोई कोई सभी वर्क जो आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। कभी मैं रंगोली बच्चों को सिखाई थी, तो मैं एक स्कूल टीचिंग जॉब में भी हूँ, तो मैं उसमें जो बच्चों को सिखाती हूँ वो रख लेती हूँ स्केचेस। मतलब उनको एक बार ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है कि आपको ऐसे बनाना है, तो वो कॉन्फिडेंटली बना लेते हैं। तो या तो ब्लैक बोर्ड में उनको ड्रा कर दो या फिर पेपर में ड्रा करके दिखा दो तो वो काम ईजी कर लेते हैं। तो पहले बार उनको स्केच बना के दिखा दो तो वो आराम से काम कर दो, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है कि हमें भी सेम ऐसे करना है, तो वो बड़े शौक से करते हैं, हॉबी के साथ बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं वर्क। तो इसलिए एक बार मैं उनको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, कभी कलर कॉम्बिनेशन, कभी कुछ पोस्टर्स कुछ बनवाए तो कलर करके दिखा दिया, कभी ऐसे टाइम पास करके कुछ छोटे पिक्चर्स बना कर उनको इनकरेज करते हैं भाई काम करो, खाली बैठो तो कुछ स्केचेस बना लो तो कलर बाद में कर लेना। तो इस तरह से उनको ड्रॉ किया तो कई बार बच्चे उसी टाइम ड्रॉ भी करते हैं और कलर भी करने लगते हैं, फ्लावर्स है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स को कभी कह दिया बनाओ, तो एज एग्जाम्पल एक दो फ्लावर बना के दिखा दिया तो फिर बनाते हैं। और विच फ्लावर यू लाइक मोस्ट वो बनाओ, ऐसे भी एक तरह की विस्कस है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी फ्रंट बैक साइड किसी फ्रंट डायरेक्शन में बनाओ पिक्चर को, एक डक है बच्चों को दिखाया था ऐसे बनाओ आप देख के। तो ये सारी पिक्चर्स नहीं हैं, ये हैं है इधर चिक्स विज देयर चिक्स बनाया था उनको, अभी दिखाया था जैसे कभी लोटस, कोई बच्चा बोलता लोटस लोटस पसंद था उनके, लोटस बना दिया इसको, लोटस ऐसे आप भी बनाए तो बच्चे बनाते थे वो अच्छा, मुझे भी काम सिखाने बड़ा अच्छा लगता था। जैसे कभी कोई ऐसे डक बना दिया कोई सिंपल सी, इसमें थोड़ा पेपर लग गया मैं दिखा रही हूँ, वाइट पेपर इसके अंदर लग गया है तो रखा गया था ना, तो उसके ऊपर दूसरा पेपर क्योंकि एक्रेलिक कलर है ये जो कपड़े पे करते हैं ना वो कलर इस पर कर दिया गया था, तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता। ये भी क्रस फ्लावर हिबिस्कस फ्लावर का ही है, मतलब एक पिक्चर बनाई थी। ये कभी सुराही लोटा बनाने के लिए बच्चों ने बोला था तो ऐसे ही सिखाई थी, एक तरह रंगोली है मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल पे डाली, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत ईजी रंगोली है और बहुत प्यारी लगती कलर होके। ये भी एक तरह की रंगोली, दिवाली में बच्चों को रंगोलियाँ सिखाते हैं बहुत सारी, तो ये रंगोली जिनको सिखाई थी मैंने, तो जो स्केचेस मेरे पास पड़े थे मैंने कहा चल आज मैं भी दिखाती हूँ आपको अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये वाला ब्लॉग शेयर कर दूँ आपके साथ। और कभी ह्यूमन फिगर्स हमारे कितने ब्लॉग में हमारे ह्यूमन बनते ह्यूमन फिगर्स बनती हैं उसको उनको प्रैक्टिस कराई थी। कभी ये देखिए ये इंक पेन वर्क, जो इंक पेन होता है उससे जो काम कैसे करते हैं वो बताया था मैंने उनको, ये दिखाया था गणेश जी बनाया, कभी गणेश चतुर्थी थी उस टाइम उनको ये बना के दिखाया था कि आप ऐसे गणेश जी बनाओ किसी भी साइज में बड़ा छोटा, रंगोली भी है
कभी कभी साथ साथ में कलर भी कर दिया उनको, वही छोटी पिक्चर्स छोटी क्लासेस में भी थे वन, टीचर्स को बता दिया इसका भी बेक लगाना था, दो लाइन कंप्लीट है ये बेक रख रहा हूँ, बड़ी क्लासेस में सिखाया था सिक्स ऑनवर्ड्स, तो ये रंगोली जो बड़ा काम वैसा वो बड़े बच्चों को वो सिखाया, वैसे छोटे बच्चे नहीं कर पाते तो उनको बड़े बच्चों को सिखाया काम काम, ये जयपुरी पेंटिंग भी बच्चों को सिखाई थी स्कूल में, क्लॉथ पेंटिंग, तो ये बच्चे स्टूडेंट को सिखाए थे, एक बार बना के दिखाना पड़ता तो वो कर लेते हैं, टू फीस डिफरेंट डायरेक्शन में बीच में पिकॉक है, सो कलर कॉम्बिनेशन और सही चुनना चाहिए था तो ज़्यादा क्लियर दिखता सब, ये तो कलर की थोड़ा सा शॉर्टेज होगी तो इसलिए इतने ही कलर में बनाना पड़ा, अगर इसको कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दे तो अंदर का पिकॉक क्लियर दिखता, वो थोड़ा मिस्टेक रह गई थी। और देखिए अब दूसरा कलर है, दूसरी पिक्चर है जैसे ये है वो, हाँ ये क्लॉक टेबल क्लॉक, टेबल क्लॉक ऐसे कुछ रैंडम कुछ भी मतलब बच्चों को ऐसा क्लास में गए तो कुछ भी खोल दिया, ये हमारी भी बुक भी उनको सिखाई थी हाउ टू ड्रॉ बुक, हाउ टू ड्रॉ शेड बुक, ये रंगोली डिफरेंट टाइप की, कुछ फ्लावर्स है देखिए, फ्लावर्स है कुछ ऐसे बना दिए थे, इसके तीन पीस हैं, तीन एक साथ लगा के हम फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, वही बताया था आपको, ऐसे फ्लावर ऐसे थ्री मतलब तीन पिक्चर के साथ भी आप कोई पेंटिंग बना सकते हैं, सेंटर में रहेंगे दोनों साइड में रहेंगे, ऐसे आप फ्रेम कर सकते हो, हमको ये बताया था, तो बच्चों ने बनाया था बहुत शौक से, देखिए ये भी वही कलर से चिपक रहा है, ये भी एक मैंने डक बनाई थी ग्रीन है, और ये देखिए ये भी पिक्चर छोटे मिनी पिक्चर्स भी बना बना के दिखाते थे उनको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ये भी देखिए डक है, जब डक फ्लाई कर वाली स्टेज पर होती वो था, एक ये देखिए इतना प्यारी पिक्चर है, ये भी शेडिंग सिखाई थी उनको, चेरी बनाना एप्पल हाउ टू शेड सिखाया था बच्चों को, ये भी एक पेन इंक पेन ब्लैक इंक पेन वर्क है, बटरफ्लाई बताया बच्चों को, प्यारी पिक्चर हैंडल वाला फ्लावर जो उसमें विदाउट कलर है इसमें कलर करके बताया था बच्चों को, उस टाइम वाला स्केच नहीं मिला था, दोबारा स्केच कर कलर करके बताया, इसमें भी उनको कलरिंग सनफ्लावर में सिखाया था उस टाइम, और ये है हमारा ये भी, इसमें बच्चों को हमने कलरिंग जो अभी आपने देखा था हिबिस्कस उसी का दूसरा पार्ट है, इसमें कलर करके बताया था उसमें स्केच करके बताया था बच्चों, बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं काम, तो उनके सामने एक बार कर दिया जाए ना तो कर लेते हैं, ये भी देखिए पेंटिंग है, कोई वॉल पेंटिंग थी हमारे घर में तो मैंने वहाँ से आइडिया लेकर उनको ऐसे बता दिया, मुझे याद था नहीं ऐसे भी पेंटिंग उनको ड्रॉ करके बताया था, ये फिगर ड्राइंग है, उनको फिगर सिखाई थी बेबीज़ और मतलब मदर चाइल्ड एंड फादर फिगर सिखाई थी, बुक सिखाई थी किस डायरेक्शन में कैसे बनती है, कैसे एंगल में देख के मतलब ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ये भी फिगर ड्राइंग है, फिगर ड्राइंग बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके बच्चे इजली कर लेते हैं, स्केच ये भी सनफ्लावर है, दूसरे टाइप डिफरेंट टाइप का सनफ्लावर है, और ये भी है पिक्चर ट्यूलिप ट्यूलिप फ्लावर है, ट्यूलिप बच्चों को जैसे जैसे आप जितना कलर स्कूल में होता था ना उस हिसाब से उनको सिखाना पड़ता था, ये शेडिंग सिखाई थी शेड्स ड्राइंग सिखाई थी, जब ये तो स्टार्टिंग में क्लास लेते हैं तभी उनको शेड ड्राइंग सिखाते हैं, तो पिक्चर ही मैंने रेडम कभी खाली बैठे तो मंगाया था उनको ऐसे बना लो, और ये देखिए ये कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी कैसे बैठे हुए आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, ये पिक्चर बनाई थी क्लॉथ पे बनती है फेविकल पेंट से, तो वो फेविकल पेंट कई कई बार में हम वो जो गर्ल्स होती थी उनको ऐसी पेंटिंग बनानी होती थी तो बोलती थी मुझे ऐसे सिखाना सिखाइए, वो एक अमेरिकन पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट में, ये भी मैंने बच्चों को दिखाया था कैसे बनाना है, एक ढक है ये पानी के अंदर पैर उठा के बनाया था पेंसिल शेडिंग में, भी एक वर्क है, ये भी हमारा एक वर्क है मशरूम है, मशरूम पेंटिंग ये सिखाई थी बच्चों को, और नीचे का एप्पल है, ये एप्पल है,
बच्चों को हेडिंग करके बताया था, आई लाइक दिस पहले मशरूम पेंटिंग वेरी मच। यहाँ से पेंटिंग है, इसे रैंडम पेंट ऐसे बैठे रहे तो मैं किसी भी वर्क ना ऐसे को ऐसे मतलब लाइटली नहीं लेती हूँ, हर वर्क को जो भी बनाया उसमें कलरिंग या उसको प्रेफरेंस देती हूँ, तो आराम से हर कल हर वर्क को करके रखा हुआ है प्रॉपर। अभी बच्चों का ही मेरा काम था, मैंने उनको सिखाया था बनाने पेंटिंग, तो उनको इंकरेज करने के लिए ये हमारी मधुबनी पेंटिंग में आता है सन, सन की पेंटिंग है मधुबनी सन ऐसा होता है, उनको बताया था उसमें कलरिंग कंप्लीट करना है। और देखिए बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हो जाएगी, सारी पेंटिंग्स ऐसे मतलब जो मैंने उनको छोटी पेंटिंग्स में करके बताया कि आप छोटी करके छोटी स्पेस में बनाएंगे तो आपको जल्दी पूरी हो जाएगी, तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी पेंटिंग है तो आप उसको फ्रेम करा लोगे, फिर पिक्चर पहले बनाओ बाद में फिर बड़े पिक्चर बनाना, इससे भी दिखाए वो करके बच्चों को प्यारी प्यारी पिक्चर्स आप देखते जा रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स है, मैं सब बच्चों को सिखाया हुआ पहले ड्रॉ कलर कर दो तो उनको बहुत ईजी लगती है, वो बना लेते हैं, अगर उनको सिर्फ ऐसे ही बोल दो कि आप ऐसे बनाओ तो उसको बहुत उनको टफ लगता है, बहुत बड़ा काम है, और आप कर दो उनके सामने तो ईजीली बना लेते हैं। देखिए एक क्लीन बर्ड है, इतने सारे पिक्चर में बहुत प्यारा होता है, इसलिए वहाँ सिखाया था। एक पेंटिंग सिखाई थी एक बच्चे को, मैं ट्यूशन अपने मतलब कोचिंग में सिखाई थी बच्चों को, मैं बच्चों क्लास देती थी इवनिंग में, उनको देख बताया था वर्क करके दिखाया था उनको, ये हॉर्स हॉर्स का फेस है और पिक्चर तो बहुत सारी हैं, देखती जा रही हैं। क्लॉथ पेंटिंग में थोड़ी सिखाया था बच्चों को गर्ल्स को, तो उसके लिए मुझे फेविकल कलर लाना पड़ा था क्योंकि कलर यूज करना था, इसलिए बार बार मतलब कर करके भी बताया था। स्टिक पेंटिंग है, स्टिक ड्राइंग मतलब कि हमारे जो भी हमारी बॉडी है किस एंगल में होती है तो स्टिक्स के ऐसे बच्चे भी सीख जाते हैं। एक पेड़ हमारे कोको ट्री ब्लैक एंड वाइट में बनाया था, ठीक है। चलिए अभी मेरी सारी पिक्चर पूरी हो गई है, दीज लाइक दीज पिक्चर्स मोस्ट वीडियोस की सारी पिक्चर्स। और मैं आपसे ये कह रही हूँ समय आप हमें बताना कमेंट में कि और आपको कैसी पिक्चर्स चाहिए बनाना, तो मैं आपको जिसकी पिक्चर्स की क्लासेस भी देती रहूँगी आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल पे। आप मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल को जाइए, देखिए, विजिट करिए, ठीक है। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, जल्दी बाय।